लेकिन क्या हास्य व्यंग की बात करे, उसमें जहां से बात छोड़ी मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं खाली के भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं के भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं। धारा 370 क्यों हटा दी, जवाब मांग रहे हैं। और जो खा गए देश को कुर्सियों पर बैठकर दीमक की तरह, वो राम भक्तों से चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। इस देश की स्थिति ये हो गई कि कोई भी खड़ा होता है और कुछ भी बोल देता है। इस देश के प्रधान को 99 बार गालियां दी जा चुकी है। मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेता खड़े होकर सड़क छाप भाषा में बात करते हैं और कह देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीच है। तब मैंने मालवा की तरफ से, इंदौर की तरफ से चार पंक्तियों में जवाब दिया। अगर आपको लगे कि इतनी ओछी भाषा पर, इतनी सड़क छाप भाषा पर जवाब दिया जाने चाहिए था और ठीक जवाब दिया, तो आपकी तालियां मंच तक पहुंचे कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, के संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, किसी तवायब के ठुमके की फरमाइश लगते हो तुम, और मर्यादा तोड़ के दिया नीच किसी को, तो किसी नाजायज तहजीब की पैदाइश लगते हो तुम। के 500 वर्षों की समस्या का समाधान बिना खून खराबे के कर दिया। मैं जिस कवि की भूमिका में हूँ वो बात करेगा जो आपके मन की बात है। सब चार पंक्तियां सुनिएगा। मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने एक बात कही थी कि 2022 तक हम सबको पक्का घर दे देंगे। हमें घर मिला तो मिला, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को अपना स्वयं का घर मिल गया। और 2024 में जनवरी में वे गृह प्रवेश कर लेंगे। तो चार पंक्तियां सुनिएगा, आपको लगे कि मैंने ठीक कहा तो समर्थन करना कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, हर एक समस्याओं को विश्राम लिख दिया, और सरयू के जल में थोड़ा अष्टगंध डालकर दुष्टों की छातियों पे राम राम लिख दिया। मैं जिस कवि को खड़ा करना चाहता हूँ उसकी भूमिका में आपकी तालियां कमजोर है। मैं बहुत महत्वपूर्ण कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। सर चार पंक्तियां और सुनिएगा कि क्या है अयोध्या, क्या समझते हैं हम अयोध्या को। सर चार पंक्तियां सुनिएगा कि भगवान ने धरती पे उतारी है अयोध्या, सूरज के वंशजों ने समाधी है अयोध्या, और बाबर के बाप दादा की जागीर नहीं है, सदियों से हमारी थी हमारी है अयोध्या। अभी भी कुछ लोगों के हाथ खामोश है। मैं पंडित महेंद्र मधुर को मधु भैया की उपस्थिति में बुलाना चाहता हूँ, उस कविता के साथ जिस रस की वो बात करना चाहता है कि क्या है सनातन, किस सनातन के लिए। मैंने कहा कि एक तरफ एक व्यक्ति है जो सनातन के लिए जिंदा है। तब पंक्तियां सुनिएगा कि क्या है सनातन, के सूरज की पहली किरण सनातन है, श्री राम नाम का सुमिरन सनातन है, हल्दी घाटी का कण कण सनातन है, शिवाजी का हर पल सनातन है, वेद का हर छंद सनातन है, हमारा विवेकानंद सनातन है, कि हमारा विवेकानंद सनातन है, हमारी रगों में दौड़ता खून सनातन है, उदय निधि ये ध्यान रखना हमारा जुनून सनातन है। और दो अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमने चंद्रयान वहां तक पहुंचाया कि क्या है सनातन, क्या हमारा जुनून सनातन है। सनातन है तो ये सारी सृष्टि है, और सनातन है तो चांद और सूरज तक हमारी दृष्टि है। जरा जो